अच्छा, एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। वो बहुत ही व्यस्त रहते थे, बहुत ही बिजी रहते थे। कुछ लोग होते हैं गांव में भी जो मतलब बिजी रहते हैं, फोन करो तो बिजी, कहीं बुलाओ तो बिजी, कहीं निमंत्रण दो तो बिजी, कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बिजी हैं, व्यस्त हैं, मतलब हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन समय निकाल करके थोड़ा सा समय मिला उनको, तो उनको किसी ने कहा कि थोड़ा गुरु के पास भी जाना चाहिए, तो जीवन में गुरु भी करना चाहिए, चूँकि क्योंकि जीवन में जब तक गुरु नहीं होता तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि गुरु के पास क्यों जाना। बोले भाई, गुरु जो है भगवान को दिखाते हैं, जनाते हैं, बताते हैं, भगवान से मिलाते हैं गुरु। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तो बहुत बिजी हूँ अपने काम में, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं गुरु के पास जाऊँगा। अब एक दिन समय निकाल कर गुरु के पास पहुँच गए, जाकर गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा कि क्या बात है। इस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी, सुना है आप भगवान का दर्शन कराते हैं, भगवान से मिला देते हैं। गुरु जी ने कहा कि अगर मिला देते होंगे तब तो। अब इन्होंने कहा कि अगर आप भगवान से मिलाते हैं तो भगवान आपसे मिलते होंगे, तभी ना मिलाते हैं। भगवान का दर्शन कराते हैं इसका मतलब कि आपको दर्शन होता है भगवान का। गुरुजी ने कहा अगर होता होगा तब। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जब भगवान आपके पास आए, जब आपके पास भगवान मिलने आए, तो उनको थोड़ा मेरे घर भेज दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि वाह, ये क्या बात। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके आया हूँ, और गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि जब भगवान आपके पास आए तो आप भगवान को मेरे घर भेज दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा अपना पता भी तो बताते जाओ, पता रहेगा तभी तो भेजेंगे। फिर इस व्यक्ति ने कहा कि देखिए गुरुजी, फला गांव में, फला मोहल्ले में मेरा मकान नंबर इतना 55 मकान नंबर है, वहीं भेज दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि अरे भाई, वो तो आपके मकान का पता है, वो तो आपके घर का पता है, आप अपना पता बताइए। अब ये तो बहुत व्यक्ति सोच में पड़ गए कि अपना पता बताए। फिर कहे कि अच्छा, अपने दुकान का पता बता दिए। इस व्यक्ति ने अपने दुकान का पता बता दिया। गुरुजी ने कहा कि भाई, ये तो आपके दुकान का पता है, आप अपना पता बताइए, आपके यहाँ में भेजना है भगवान को, आप अपना पता बताइए। अब तो इनका दिमाग जो है थोड़ा चकरा गया, सोच रहे थे अपना पता बताइए। फिर अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर, छाती पे हाथ रखकर कहा कि मैं तो यही हूँ। गुरुजी ने कहा, ये तो आपका छाती है, ये आपका सर है, ये आपका हाथ है, ये आपका पैर है, ये आपका पेट है, आप कहाँ हैं, आपका पता क्या है, आप कौन हैं। अब ये व्यक्ति तो जो भगवान को घर भेज बुलाकर मिलना चाहते थे, अब गुरु जी को हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आखिर मैं कौन हूँ। गुरु जी ने कहा कि जब ये जान जाओगे कि तुम्हारा अपना पता क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा असली पता क्या है, तो तुमको वहीं भगवान मिल जाएंगे, भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमको अपने आप की जानकारी हो जाएगी तो भगवान तुमको वहीं मिल जाएंगे, जहाँ तुम रहोगे वहीं मिल जाएंगे, उनको भेजना नहीं पड़ेगा। तो बात यही है, खुदा की खोज वो जाने कहाँ दिन रात करते हैं, खुदा की खोज वो जाने कहाँ दिन रात करते हैं, और एक हम हैं जो हर वक्त खुदा से बात करते हैं। तो भाई देखिए, अगर अपने आप की जानकारी हो गई, जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, तो फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुदा के बिना कोई सूरत नहीं है। नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। जब अपने आप की जानकारी हो जाएगी तो भगवान की खुद ब खुद जानकारी हो जाएगी। आप सभी
सम्मानित श्रोताओं का हरि भजन दास ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन।